अस्सलामुअलैकुम NAN24 न्यूज़ एसरी के साथ मैं राबे अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं कि सिंध ने रवां माली साल अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर की है और सिंध हुकूमत ने टैक्स वसूली में 16% इजाफा भी किया। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खसूसी बरा इतला तो फिरदौस आशिक अवान कहती है कि मौलाना फजलुर रहमान का मर्ज ला इलाज है। इस्लामाबाद में पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक होने वाला नौजवान उसामा सिद्दीकी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मान सहरा में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती कफायतुल्ला के अबाई घर पर पुलिस ने छापा मार के इनके भाई बहनोई और दो बेटों को हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान में कोरोना के बायस मजीद 53 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद कोरोना से अफवाद की तादाद 10,311 तक जा पहुंची है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नाथरा की जानिब से खातून का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी करार दे दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कल से साल की पहली बारिश की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट में लीग स्पिनर यासिर शाह की जगह जफर गोहर को शामिल किया है। जफर गोहर का ये टेस्ट डेब्यू है। हेडलाइन सामने मुलाहजा की तफसीलात शामिल करेंगे एक वक्फे के बाद। खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने टैक्स वसूली में 16% इजाफा किया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की वसूलियों में सिर्फ 5% इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और इल्जाम तराशी पर यकीन रखती है। नाकाम और नकम्मी जमहूर दुश्मन आल शिकन वफाकी हुकूमत है और उम्मीद है कि अब वफाकी हुकूमत अपने कारकर्दगी पर तवज्जो देगी। उन्होंने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद और आमदनी बढ़ाने का काम वफाक नहीं कर सकता। खुद को मसीहा और तब्दीली लाने का कहने वाले की कारकर्दगी सामने है। मुर्तजा वहाब का कहना था कि आयरलैंड अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 31 दिसंबर को 120 दिन मुकम्मल करके खत्म हो चुका है। पीटीआई को इल्म है कि जजायर ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में लाने के लिए इनके पास अक्सरियत नहीं और ना ही मुतनाज़े ऑर्डिनेंस पर इनके इत्तेहादी इनका साथ देंगे, लिहाजा अब जजायर ऑर्डिनेंस को खत्म किया जाना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान कहती है कि मौलाना फजलुर रहमान का मर्ज ला इलाज है। अपने बयान में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पीटीएम की कश्ती मंझदार में डूब गई। मरियम नवाज लीडर बनना चाहती है तो जाति उमरा के महल से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत कब्जा माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है। कब्जा माफिया का कलाकमा करने में जल्द कामयाब हो जाएंगे। इस्लामाबाद में पुलिस के फायरिंग से हलाक होने वाला उसामा की नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने वाकई की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। नमाज जनाजा से कबल मुजाहिरी ने श्रीनगर हाईवे पर मैयत रख कर एहतजाज किया। ताहम नमाज जनाजा के बाद मुजाहरा खत्म हो गया है और ट्रैफिक भी बहाल कर दी गई है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस के इस्तेदात दहशतगर्दी स्क्वाड के अहलकारों की फायरिंग से 22 साल का नौजवान जाँ बहक हो गया था। पुलिस ने ATC के 5 अहलकारों के खिलाफ इस्तेदात दहशतगर्दी और
कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हफ्ते की रात 2 बजे के करीब पुलिस को कॉल मौसूल हुई कि सेक्टर G13 के एक घर में डकैत दाखिल हुए हैं। G13 पहुंची तो सामने से उसामा सिद्दीकी की गाड़ी आती दिखाई दी, रोकने का इशारा किया, जिस पर 22 साल नौजवान ने मुबैना तौर पर गाड़ी श्रीनगर हाईवे की जानिब दौड़ा दी। पुलिस कोर्ट ने G10-4 तक गाड़ी का पीछा किया। कार सवार ने गाड़ी ना रोकी तो पहले साइड से और फिर सामने से फायर किए गए, जिसके बाद उसामा मौका पर ही जान की बाजी हार गया। उसामा के वालिद का कहना है कि इनका बेटा इस्तेदाद दहशतगर्दी के अहलकारों के हाथों दहशतगर्दी का शिकार हुआ है। उसामा को 16 से 17 गोलियां मारी गई हैं। मानसहरा में मुफ्ती कफातुल्लाह के घर पर पुलिस का छापा। मुफ्ती कफातुल्लाह के खानदानी जराए के मुताबिक बफा तरंगड़ी में वाकिए घर पर पुलिस के छापे के वक्त JUF रहनुमा के घर पर मौजूद नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सादिक बलोच ने वाकई की तस्दीक या तर्दीद से इनकार किया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों में वफाकी हुकूमत ने मुफ्ती कफातुल्लाह के फौज मुखालिफ बयान पर इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया था और वजारत दाखिला को मुफ्ती कफातुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की गई थी। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 53 अफराद की जान ले गया। पाकिस्तान में कोरोना के दादो शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 44,392 टेस्ट किए गए, जिसमें से कोरोना के 2,272 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 53 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,311 हो गई है, जबकि मजमूई केसेस 4,84,634 हो गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से खानदानी झगड़े पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने पर नाजरा और वालिद को जुर्माना आयद किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अरूज ताबानी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया है। अदालत ने करार दिया कि नाजरा की जानिब से खातून शहरी अरूज ताबानी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नाजरा और खातून के वालिद पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया, जबकि फैमिली झगड़े पर नाजरा की जानिब से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का इख्तियार भी गैर कानूनी करार दे दिया है। खातून अरूज ताबानी को वालिद ने बेटी मानने से इनकार किया था और नाजरा से कहकर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कराया था। अदालत ने अरूज ताबानी के वालिद याकूब ताबानी पर भी 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया और कहा कि अरूज ताबानी को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने पर अजियत और कुर्ब से गुजरना पड़ा। नाजरा के पास कोई इख्तियार नहीं कि वह खानदानी झगड़ों में मुदाखलत करे। अदालती फैसले में कहा गया है कि नाजरा और याकूब ताबानी 30 दिन के अंदर 5-5 लाख रुपए अदालत में जमा कराएं और हर जाने की रकम अदालती कार्रवाई के अखराज की मद में अरूज ताबानी को दिए जाएंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कल से साल की पहली बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का इतवार से सिलसिला मंगल तक बारिश बरसाएगा। पंजाब, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, कुशरावाला, साहिवाल और फैसलाबाद समेत अक्सर शहरों में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर, कोहाट, एबटाबाद, सवात और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। इसके अलावा कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। कराची में आज सुबह भी रिकॉर्ड सर्दी नोट की गई है। दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया गया। लाहौर के इलाके बंद रोड चिराग पार्क में चौधरी शौकत अली की जेर सदारत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात ख्वान ने भरपूर शिरकत की। नए साल के आगाज में बंद रोड पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद की। महफिल में चौधरी शौकत अली, चौधरी परवेज अली, जावेद अली, चौधरी जेशान अली समेत चौधरी हारिस अली ने शिरकत की। महफिल के इख्तिताम पर खसूसी दुआ भी की गई और लंगर का इंतजाम भी किया गया। और पाकिस्तानी स्क्वाड में यासिर शाह की जगह शामिल जफर गोहर का आज टेस्ट डेब्यू। क्राइस्ट चर्च टेस्ट में पाकिस्तान की जानिब से लेफ्ट आर्म स्पिनर जफर गोहर को टेस्ट कैप दी गई है। वो अपने करियर का पहला टेस्ट खेल रहे हैं। जफर गोहर को टेस्ट कैप कौमी टीम के तजुर्बाकार लीग स्पिनर यासिर शाह ने पहनाई। 25 साल जफर गोहर ने 2014 के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। इससे कबल वो डोमेस्टिक क्रिकेट में डेब्यू कर चुके थे। जफर गोहर पाकिस्तान की जानिब से एक वनडे इंटरनेशनल मैच भी
खेल चुके हैं। उन्होंने ये मैच 17 नवंबर 2015 को शारजा में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एसी, क्योंकि हम पहुंचाते हर खबर आपके साथ।